नमस्कार दोस्तों। जिस व्यक्ति की शादी 26 साल, 24 साल, 28 साल, 27 साल में हो जाती है, उसको शादी का इतना टेंस नहीं रहता। पर जिसकी 30 पार कर चुकी होती है एज, 32 के हो गए, 35 के हो गए और शादी नहीं हो रही है, तो व्यक्ति टेंशन में आता है। आज आपके सामने ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसमें दो तरह की लाइन है आपको दिखाऊंगा। एक रिलेशनशिप लाइन दिखाऊंगा जिसमें रिलेशन हुआ, और शादी की लाइन भी दिखाऊंगा। कई लोग यहां पर शादी की लाइनों को देखते हैं हस्तरेखा में। ये केवल मिथ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके कुछ अलग मायने रहते हैं। कभी फुर्सत मिली तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा चैनल पर शादी की लाइन मंगल से निकलती है और माइन लाइन को टच करती है, तब शादी होती है। हमारे शास्त्रों में भी मंगल फेरे बोले जाते हैं। महाराष्ट्र में अगर जाओगे तो जो शादी का जगह होता है उसको मंगल कार्यालय कहा जाता है, और मंगल शब्द का बहुत यूज होता है शादी में। तो हमारे जीवन में भी शादी का मंगल ग्रह से लाइन आती है और माइन लाइन को टच करती है, तब शादी होती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। ये दो जो लाइन है ये रिलेशन लाइन है, और ये जो लाइन है जो माइंड लाइन को टच करके आगे से आ रही है, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगा आगे, ये व्यक्ति के जीवन में शादी कराया गया। यानी ये 36 साल के है, ये एज 37 में इनकी मैरिज है। वो कैसे है वो मैं बताता हूं। पहले आपको रिलेशन लाइन दिखाता हूं। ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन में एज ऑफ 31 में रिलेशन हुआ, यानी इलू इलू हुआ इनके जीवन में। सेकेंड इलू इनका यहां पर 33 की एज में हुआ। और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये माइंड लाइन से निकल रही है, ये जो लाइन है ये माइंड लाइन से निकल रही है, ये इनके जीवन में शहनाई बजाएगी, यानी शादी हो। अब मैं तीसरे फोटोग्राफ में लेकर चलता हूं। ये देखिए, ये पूरी लाइन यहां से आ रही है और ये माइंड लाइन को टच करे, ये क्षेत्र बोला जाता है मंगल क्षेत्र, मंगल फेरे। तो मंगल का संबंध हमारे जीवन में शादी से है ही, और वहां से एक लाइन निकलती है और शादी कराती है। अब कई लोगों की माइंड लाइन यहां पर भी रहती है, ऐसे यहां से स्टार्ट होती है, तो उनकी माइंड लाइन उस जगह पे नहीं होती। तो मंगल से रेखा ऐसे आती है और कोई ना कोई लाइन उसको स्टॉप करती है और उनके जीवन में शादी होती है। जो छोटी एज में होती है, जैसे 25-26 के आसपास, उनके जीवन में इस तरह की लाइनें देखी गई। पर जिनकी देरी से होती है शादी, उनकी तो क्लियर कट उस समय माइंड लाइन स्टार्ट हो गई रहती है, और जैसे ही स्टार्ट टच करती है वैसे शादी होती है। तो इस वीडियो में आपको ये जो दो रेखा है ये छोटी है, इसके लिए केवल रिलेशनशिप हुआ, इससे ज्यादा शादी तक बात आगे नहीं बढ़ी। पर ये तीसरी जो रेखा है ये लंबी है, तो ये इनकी 100% जीवन में शादी कराएगी। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कई लोग चैनल को देखते तो है, वीडियो तो देखते तो है, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, हमें उत्साह आता है कि इतने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया। तो जो यहां तक ये वीडियो देखते पहुंच चुका है, कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और आपके जान पहचान वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।